क्लास फोर हिंदी चैप्टर सेवन झूला कविता विकास हिंदी वर्कबुक प्रश्न उत्तर। कविता है ये झूले पर। कविता का सरल अर्थ, लड़का अपनी अम्मा से कहता है माँ मेरे लिए एक झूला लगा दे, कि एक लड़का है जो अपनी मम्मा से कहता है कि एक झूला लगा दे, उस पर मैं मस्ती से झूलूँगा। झूले पर मैं ऊपर की ओर चढ़कर और बढ़कर आसमान को छू लूँगा। मैं जब झूला झूलता हूँ तो मेरे साथ डाली और पत्ते भी झूलते हैं। वो लड़का कहता है कि मैं जब भी झूला झूलता हूँ तो मेरे साथ डाली और पत्ते भी झूलते हैं। इस झूले पर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। झूले के सहारे मैं दिल्ली और कोलकाता की सैर करना चाहता हूँ। नीचे की धरती भी झूल रही है, रिमझिम बारिश बरसती है। झूले की उड़ान के सहारे मैं बादलों के समूहों को छूना चाहता हूँ। झूला कविता है। प्रश्न उत्तर पहला है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पे डाली, झूला, आसमान, रिमझिम, दिल्ली और कोलकाता लिखा हुआ है। पहला है लड़का झूल रहा है, तो लड़का क्या झूल रहा है? झूला झूल रहा है। दूसरा है लड़का झूले पर चढ़कर को छूना चाहता हो, तो किसको छूना चाहता है? तो आसमान को छूना चाहता है। लड़के के साथ डाली भी झूल रही है, कि लड़की के साथ क्या झूल रही है? डाली भी झूल रही है और पत्ते भी झूलते हैं। तो यहाँ पे डाली दे रखी है इसलिए हमने डाली लिखेंगे। लड़का झूले पर चढ़कर दिल्ली और कोलकाता की सैर करना चाहता है। बारिश रिमझिम बरसती है, बारिश रिमझिम बरसती है। दूसरा प्रश्न है, पढ़िए बोलिए और लिखिए। अम्मा, झूला, मज़ा, बड़ा, दिल्ली, धरती, चढ़कर, बढ़कर, उड़कर, रिमझिम, कोलकाता और पत्ता, उसी को वापस लिखना है अच्छी राइटिंग में। काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पे काव्य पंक्तियाँ दे रखी है, उस खाली जगह में आपको पूर्ण करना है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूँगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पे कोष्टक में दे रखा है रहा हूँ, रहे हैं, तो मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर एक लड़का खेल रहा है। एक वचन दे रखा है, मैं एक वचन होता है इसलिए रहा हूँ आएगा। हम पाठशाला जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं। हम बहुवचन है। यह हाथी है, इनकी सूंड लंबी है, कि यह क्या है? हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। कौवा है, उसका रंग काला है, तो वह कौवा है, उसका रंग काला है। ये तितलियां हैं, बहुत सारी तितलियां हैं, तो इनके पंख रंग भी रंगे हैं। वे लड़के हैं, बस्ते लाल रंग के हैं, तो उनके बस्ते लाल रंग के हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लड़का अम्मा से क्या लगाने के लिए कहता है? तो लड़का अम्मा से झूला लगाने के लिए कहता है, कि झूला लगा दीजिए। लड़का किसको छूने की बात करता है? तो लड़का आसमान को छूने की बात करता है। झूला कौन कौन झूल रहे हैं? झूला उस लड़के के साथ डाली, पत्ते और धरती भी झूल रहे हैं। कविता में ज वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। झूला, झूले, झूलूंगा और रिमझिम। आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? तो मैंने घर में, बगीचे में और सर्कस में झूले देखे हैं। आप किस तरह के झूले में झूले हैं? तो मैं रस्सी के, टायर के और डाली के झूले में झूला हूँ। पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए, कि पहली बार जब हम झूलते हैं तो उसका अनुभव आपको लिखना है, कि उस दिन मैं खेत में गया था। हमारे खेत के पास नीम का एक पेड़ था, माँ ने नीम की डाली पर रस्सी बांध कर मेरे लिए झूला बना दिया था, कि पेड़ पर एक रस्सी बांध कर झूला बनाया था। उदाहरण के अनुसार विरोधी शब्द लिखिए। आज का विरोधी शब्द होगा कल, दिन का रात, आना जाना, हंसना रोना और सोना और जागना। उदाहरण के अनुसार विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलना तो रुकना,
तो वाक्य हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, हमें मुश्किलों से डर कर रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे चलना और रुकना दोनों आगे विरोधी शब्द, ऊपर तो नीचे, तो आकाश ऊपर है, धरती नीचे है, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों शब्द आगे। आसमान और धरती, तो ऊपर आसमान है, नीचे धरती है, तो आसमान और धरती दोनों आगे। चढ़ना उतरना, तो गिरनार चढ़ना आसान है और गिरनार से उतरना मुश्किल है, तो चढ़ना और उतरना दोनों आगे। छोटा बड़ा, मेरा एक भाई मुझसे छोटा है और मेरा एक भाई मुझसे बड़ा है, तो छोटा और बड़ा आ गया, तो ये वाक्य पूर्ण हुए। पता कीजिए और लिखिए लोग झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं। तो लोग गर्मी के मौसम में झूलते हैं और झूला बांधते हैं और दोपहर के समय झूलते हैं। आपने देखे हुए, मतलब आपने कोई झूला देखा हो तो उसका चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए कि आपको यहाँ पे एक चित्र बनाना है झूले का और उसमें रंग भरना है। प प के सामने दिए के वाक्यांश को शब्दांश को प के साथ जोड़कर शब्द बनाइए और नीचे शब्द लिखिए। अभी प के साथ आपको इन शब्दों को जोड़ना है और नीचे आपको वो शब्द वापस लिखने हैं। जैसे प के साथ प और ग लिया तो प त ग, पतंग किया, उसके बाद पकड़, पक्षी, पगड़ी, पटरी, पढ़ना, पतला, पवन, पत्थर और परीक्षा, ये किया। आगे भी यही है। क क के सामने दिए गए शब्दार्थ को क के साथ जोड़कर शब्द बनाइए और नीचे शब्द लिखिए। यहाँ पे क के साथ हमने सबको मिलाया और यहाँ पे शब्द लिख दिए। पहला कमल, कलम, करम, कमर, कनेर, कच्चा, कक्षा, कदम, कछुआ, कढ़ाई, कथनी और करनी, ये शब्द बने। क को इसके सामने दिए गए शब्दांश को क के साथ जोड़कर शब्द बनाया और नीचे उन शब्दों को लिख दिया।